सभागार में उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल श्री उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, जम्मू के डीजीपी श्री मुकेश सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल आरके सिंह जी, हमारे डिवीजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, आर्मी परिवार के सभी सदस्य, 16th कोर के पराक्रमी ऑफिसर्स, जवान, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज 16th कोर की स्वर्ण जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर मुझे आपके बीच उपस्थित होकर गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सैकड़ों साल पुरानी एक कहावत है, सतत चौकसी ही स्वतंत्रता की कीमत है। मुझे गर्व है 16th कोर के जाबाज ऑफिसर्स तथा जवानों ने उसी भावना के साथ भारतीय सेना सदैव तत्पर के नारे को बड़ी जिम्मेदारी, वफादारी और पूरे जोश के साथ निभाया है। आपके त्याग, समर्पण, वीरता, कर्तव्य परायणता एवं आत्म बलिदान ने न सिर्फ समूचे भारतवर्ष में प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है, बल्कि इस क्षेत्र में शांति संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है। जम्मू संभाग में शांति की रक्षा और अनवरत पोषण आपके संकल्प का ही प्रतीक है। इस अवसर पर मैं देश के महान गुरु पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का स्मरण करना चाहूंगा, देह सिवा बर मोहि हे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो अरिसौ जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हे शिव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अच्छे काम करने से न रुकूं और यदि मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं विजय निश्चित रूप से प्राप्त करूं। मित्रों, समस्त भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के 75 वर्ष एवं 16th कोर के 50 वर्ष ने इस भूमि को दक्ष शक्ति के रूप में उभरते देखा है। उसकी वीरता, त्याग और बलिदान को भी लोगों ने देखा है, महसूस किया है। इसलिए मैं मानता हूं स्वर्ण जयंती समारोह पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा अवसर है जो 16th कोर द्वारा पूर्व में की गई और वर्तमान में दी जा रही सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। मैं सभी जाबाज सैनिकों और अधिकारियों और उनके परिजनों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज मैं जब आपके बीच यहां उपस्थित हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके कुछ बहादुर साथी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यह हर परिस्थिति में साहस का अपूर्व उदाहरण है। जो भी जीती जागती वीरता की मिसाल देखना चाहता है, वर्दी में तेज सूरज की तरह तमक रहे, हमारे सैनिकों से मिले और उसे स्वयं पता चल जाएगा कि किसकी वजह से राष्ट्र और समाज चैन की नींद सोता है। त्याग और शौर्य के जीते जागते चेहरे मेरे सामने हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर कर्म क्षेत्र, हर रण क्षेत्र में वो आपको विजयी बनावे। मित्रों, मैं मानता हूं 16th कोर का इतिहास चुनौतीपूर्ण रहा है। 1971 के युद्ध के पश्चात, जैसा अभी बताया गया, 1 जून 1972 में लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब के नेतृत्व में 16th कोर की स्थापना की गई थी और आज जम्मू संभाग को सुरक्षा का अचूक कवच प्रदान किया गया है। अपने स्थापना के बाद से ही 16th कोर ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला किया है और दुश्मन की हर एक योजना को नाकाम करने में सफल रहे हैं। आज अगर लोग अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपकी हर इंच भूमि की रक्षा और राष्ट्र में पूर्ण शांति का संकल्प है। 16th कोर ने सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन रक्षक तथा ऑपरेशन विजय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए
अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है तथा अपने आदर्श वाक्य पहला कदम उठाने और हर दिशा में वार करने की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। 16th कोर के बहादुर जवानों अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प का बराबर एहसास कराया है। अशांति फैलाने के आज भी कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है 16th कोर के अदम्य साहस का परिचम न कभी झुका था और न आगे कभी झुकेगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर के साथ संपूर्ण राष्ट्र आपके पीछे खड़ा है। युद्ध के मैदान में तथा विपरीत परिस्थितियों में जब एक एक जवान के पीछे पूरा देश खड़ा होता है तो मैं समझता हूँ न सिर्फ जवानों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें एक अदम्य धैर्य रहता है उनके पास, जिससे स्थितियाँ बदलती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस वर्दी को पहनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि यह धरती वीर जवानों की अप्रतिम वीरता का जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि इसकी हर चोटी पर, इस पवित्र जमीन के हर रास्ते पर आपके गौरव की, वीरता की अमर गाथाएं लिखी हुई हैं। इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया सूरज उग रहा है। दशकों से आर्थिक पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले इस धरती पर अब अभूतपूर्व विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे अनगिनत क्षेत्र, रोजगार हो, शांति और सौहार्द की वजह से एक नई क्रांति आई है। आज जम्मू कश्मीर का युवा इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। आज जम्मू कश्मीर की बच्चियां इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर का किसान भाई हो, हमारी बहनें हों या नौजवान, सभी एकजुट होकर समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नए संकल्प, नई आकांक्षाएं तथा नए लक्ष्य से परेशान पड़ोसी आतंकी देश तमाम नए हथकंडे अपना रहा है। अभी मेरे पूर्व भी जिक्र हुआ, 16th कोर के कमांडर साहब ने बताया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हो या सोशल मीडिया के जरिए शांति फैलाने की कोशिशें हो रही, इन सब से और सजग रहने की आवश्यकता है, तभी हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना हथियारों तथा अन्य सैन्य संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। पहले सेना के अत्याधुनिक संसाधनों के लिए अधिकतम खरीद बाहर से होती थी, लेकिन आज सैन्य बजट का लगभग 65% खर्च देश के भीतर ही सामान खरीदने के लिए हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि अब जरूरत के लिए भारतीय सेना को किसी अन्य मुल्क का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और आपातकालीन स्थिति में भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। मित्रों, पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना के सामाजिक दायित्व का दायरा भी बहुत बड़ा है और अभी बताया गया आपके सामने। मैं मानता हूँ कि 16th कोर भी सालों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों बखूबी निभा रहा है। प्राकृतिक आपदा हो तथा कोरोना पैंडेमिक में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, जो देश के लिए जान देने को आतुर होता है वही जीवन का बेहतर तरीके से पालन करना भी जानता है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार इत्यादि योजनाओं के जरिए यहाँ के पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़ तथा जम्मू के बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में 16th कोर ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किए हैं, जिसकी वजह से सेना और आवाम की दूरियाँ कम हुई हैं और आपसी मेलजोल भी बढ़ा है। वर्तमान में भी आवश्यकता अनुसार आप सभी के द्वारा मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आप लोगों के स्कूल एवं कॉलेज में सुधार कार्यों एवं मोटिवेशनल लेक्चर इत्यादि का आयोजन कर इस क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है और मैं इसके लिए हर एक अधिकारी और जवान को साधुवाद देना चाहूँगा।
गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के तहत आप लोग आईटी तथा कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे पिछड़े इलाकों में बच्चों तथा युवाओं में तकनीकी विकास हो रहा है। खेलकूद को भी इस संभाग में बढ़ावा देने के लिए 16th कोर ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और आपके प्रयास अनवरत जारी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आगे भी इसी तरह के अपने कार्यों के साथ सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस क्षेत्र को नई बुलंदी पर ले जाने में सफल होंगे। मित्रों, मैं मानता हूँ यदि हम परिणाम चाहते हैं तो उसके साधन ढूंढने की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज सीमा पर आतंकवादियों से मुकाबला करने के अलावा हमें सीमा के भीतर ऐसे तत्वों को भी कुचलने के लिए तैयार रहना होगा जो पड़ोसी मुल्क की सह पर समाज में विध्वंस का बीज बोना चाहते हैं। ऐसे अनैतिक तत्वों से निपटने के लिए हमें लगातार अपनी क्षमता और सतर्कता को बढ़ाना होगा और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग और सुदृढ़ करना होगा। निर्दोष लोगों की हत्याओं से निश्चित रूप से हर व्यक्ति व्यथित है। मैं अपना दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मातृभूमि का ऋण खून पसीने से चुकाया जाता है और मैं जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मानवीय मूल्यों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता के प्रति हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। पूर्व में हमारी सेनाओं ने भारत भूमि की एकता और अखंडता को दी गई अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और आगे भी उसी शानदार शूरवीरता से कठिनाइयों पर हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर हर एक देशवासी को गर्व है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि बाहरी ताकतों की कोशिशें लगातार जारी हैं और जितनी सख्त कार्रवाई की जरूरत सीमा पर है उतनी ही जरूरत अंदर भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन गोली चलाने वाले आतंकवादियों को भी उतना ही गुनहगार मानता है जितना उसे बंदूक पकड़ाने वाले हैं। हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम का समूल खात्मा, यही हमारा दृढ़ संकल्प है ताकि राष्ट्र का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर फिर से तरक्की की बुलंदियों को छुए। इसलिए मैं समझता हूँ आप सभी की सतर्कता और सजगता ही हमें शांति एवं समृद्धि की तरफ ले जाएगी। इस अवसर पर मैं 16th कोर की असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपके त्याग और तपस्या को सत सत नमन करता हूँ। सभी जवानों, अधिकारियों और उनके परिजनों को इस स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर एक बार पुनः बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।